एक बार अभिजीत सर जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। तभी वो अपने कार से जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी कार बीच रास्ते में रुक जाती है। फिर अभिजीत सर उस कार से बाहर उतरते हैं और पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। तभी अभिजीत सर को आगे जाते ही दो रास्ते मिलते हैं। अभिजीत सर इन दोनों रास्तों को देखकर समझ नहीं पाते हैं कि किस रास्ते से आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, क्या आप अभिजीत सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि अभिजीत सर को इन दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते से जाना चाहिए? अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो दोस्तों, आपने इसका आंसर ढूंढ लिया है? तो चलिए दोस्तों, इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अभिजीत सर को इन दोनों रास्ते में से पहले वाले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आप दूसरे वाले रास्ते को देखेंगे तो दूसरे वाले रास्ते से जंगली जानवर गए हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर जाने का पैर का निशान है। इसलिए दूसरे रास्ते से खतरा हो सकता है, और आप पहले रास्ते को देखेंगे तो पहले रास्ते में इंसान गए हैं, क्योंकि उनका वहाँ पर जाने का पैर का निशान है। इसलिए मुझे लगता है कि अभिजीत सर को पहले वाले रास्ते से जाना चाहिए। तभी अभिजीत सर पहले वाले रास्ते से निकल जाते हैं। तभी अभिजीत सर को आगे जाते ही एक वैम्पायर मिलता है। तभी वो वैम्पायर अभिजीत सर से बोलता है, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आप मेरा एक पहेली का जवाब देंगे तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा, वरना अगर आप वह पहेली का आंसर नहीं दे पाए तो मैं आपको एक कमरे में कैद कर दूंगा। तभी फिर अभिजीत सर बोलते हैं, ठीक है, अपना पहेली पूछो। तो फिर वैम्पायर बोलता है, अब आपके सामने एक पिक्चर है। यह पिक्चर पुराने जमाने का राजा महाराजाओं का जमाने का है। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए और इस पिक्चर को देखकर बताइए कि इस पिक्चर में क्या गलत हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आप अभिजीत सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या गलत हो रहा है? अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया है? तो चलिए दोस्तों, इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे तो दोस्तों, इस पिक्चर में बिजली का पोल्स लगा हुआ है। और दोस्तों, पुराने जमाने में तो बिजली था ही नहीं, फिर यहाँ पर बिजली का पोल कैसे लग सकता है? इसका मतलब इस पिक्चर में यही गलत है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तभी अभिजीत सर इस पहेली का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वैम्पायर अभिजीत सर को एक कमरे में बंद कर देता है। और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए तीन दरवाजे हैं, लेकिन दोस्तों, तीनों दरवाजे में कोई ना कोई खतरा है। पहले दरवाजे में तो एक खतरनाक मम्मी है। अगर अभिजीत सर पहले दरवाजे से जाएंगे तो वह मम्मी अभिजीत सर को खा सकती है। और दूसरे दरवाजे में एक खतरनाक डेविल है, वह अभिजीत सर को मार सकता है। और तीसरे दरवाजे में एक डेंजरस जंगली कुत्ता है। अगर अभिजीत सर तीसरे दरवाजे से जाएंगे तो वो कुत्ता अभिजीत सर को काट सकता है। तो दोस्तों, क्या आप अभिजीत सर का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप इस रूम को देखकर बता सकते हैं अभिजीत सर को इन तीनों दरवाजे में से कौन से दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए? अच्छे से देखिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया है? तो चलिए दोस्तों, इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप इस रूम में अच्छे से देखेंगे तो नीचे कुछ कचरा है, और उस कचरे में अच्छे से देखेंगे तो एक गन पड़ा हुआ है। अभिजीत सर वो गन लेंगे और जंगली कुत्ता को मार देंगे, जिससे जंगली कुत्ता मर जाएगा और अभिजीत सर तीसरे दरवाजे से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार मैहुल एक जंगल में घूम रहा था।
तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो सीधा एक गुफा में पहुंचता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है, महुल तुम यहां पर कैद हो गए हो। यहां से बाहर निकलने के लिए तीन गुफा है, लेकिन तीनों में से कोई एक ही गुफा बिल्कुल सेफ है और उसी से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर तुम कोई गलत गुफा में घुसे तो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तभी मेहुल को वहाँ पर एक हिंट मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप इस हिंट को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल को इनमें से कौन से गुफा से बाहर निकलना चाहिए? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों आप इस हिंट में देखेंगे तो हिंट में राइट एंगल है और राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो आप पहले गुफा को देखेंगे तो पहले गुफा के ऊपर 90 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले वाला गुफा बिल्कुल सेफ है। तभी मेहुल पहले वाला गुफा में घुस जाता है और वह बाहर निकल आता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में दो इमोजी है। आपको इन दोनों इमोजी को ऐड कर एक लड़की का नाम बताना है। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला इमोजी सीम है और दूसरा इमोजी रन का है। तो इन दोनों इमोजी को ऐड कर लड़की का नाम सिमरन बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में दो इमोजी है। आपको इन दोनों इमोजी को ऐड कर एक टीवी सीरियल का नाम बताना है। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला इमोजी एक चिड़िया का है और दूसरा इमोजी एक घर है। तो इन दोनों इमोजी को ऐड कर टीवी सीरियल का नाम चिड़िया घर बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने यह सीरियल देखा है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब इन दोनों इमोजी को ऐड कर एक लड़की का नाम बताइए। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला इमोजी पिंक कलर है और दूसरा इमोजी एक की है। तो इन दोनों इमोजी को ऐड कर लड़की का नाम पिंकी बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली पहेली देखते हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में तीन चूहे हैं। आप इन तीनों चूहों को देखकर बताइए कि इनमें से कौन सा चूहा ओड वन आउट है, यानी बाकियों से अलग। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब का टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से तीन नंबर वाला चूहा ओड वन आउट है। आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में दया सर, अभिजीत सर और पंकज कुछ इस सिचुएशन में फंस गए हैं। वह तीनों एक हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन दोस्तों इन तीनों में से कोई एक मर चुका है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन मरा हुआ है? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से मुझे लगता है कि अभिजीत सर मर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आप उनके शरीर पर देखेंगे तो उनके शरीर पर मक्खियां आ रही है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि मरे हुए जानवर या फिर इंसान पर ही मक्खियां आती है, इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इनमें से अभिजीत सर मर चुके हैं। तो दोस्तों इसमें आपका क्या आंसर है, आप अपना आंसर हम कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।